हेलो हाय फ्रेंड्स, राम राम, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएस सक्सेस मंत्रा में। फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो बिल्कुल आपके न्यू प्रश्न होंगे। आप देख सकते हैं कि आपके सभी प्रश्न एमसीक्यू में होंगे, तो आप अपना राइट आंसर भी सोच सकते हैं और आप देख सकते हैं कि 15 में से आप कितने ठीक कर पाते हो, कितनी आपकी तैयारी है। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चाहे वीडियो को लाइक न करना, पर फ्रेंड्स वीडियो को पूरा जरूर देखना। फ्रेंड्स, आपको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं मिलेगा इस वीडियो में कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे, हरियाणा की पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन थी। ऐसा एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। सभी प्रश्न आपके 2018 से 2020 के जो भी पहल हुई है उनसे संबंधित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मनरेगा के दूसरे चरण में हरियाणा के कितने जिले शामिल किए गए थे? फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन एमसीक्यू में है, तो आप अपना राइट आंसर सोच सकते हैं। आपका सही जवाब होगा ए 2। तो, मनरेगा के दूसरे चरण में हरियाणा के 2 जिले शामिल किए गए हैं, पहला मेवात, दूसरा अंबाला। देश की प्रश्न नंबर पहली दो, केसलेस जेल कहाँ बनी है? चार ऑप्शन है, अपना उत्तर करें। सही उत्तर होगा डी, जींद। जींद के अंदर आपकी पहली केसलेस जेल बनी है। प्रश्न नंबर 3, प्रदेश का पहला महिला बिजली स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? चलिए फ्रेंड्स, अपना उत्तर करें। आपका सही उत्तर होगा सी, पानीपत। पानीपत के अंदर आपका पहला महिला बिजली स्टेशन शुरू किया गया है। प्रश्न नंबर 4, हरियाणा का पहला गैस सप्ताह कहाँ मनाया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तर करें। सही जवाब होगा डी, सोनीपत। सोनीपत के अंदर आपका पहला गैस सप्ताह मनाया गया है। प्रश्न नंबर 5, हरियाणा का पहला अनाज बैंक कहाँ खोला गया है? आपके सामने चार ऑप्शन है, अपना सही उत्तर करें। तो फ्रेंड्स, आपका सही उत्तर होगा डी, पानीपत। पानीपत के अंदर आपका पहला अनाज बैंक खोला गया है। फ्रेंड्स, इसको आप याद कर सकते हैं कि अनाज के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए आपका सही उत्तर होगा पानीपत। प्रश्न नंबर 6, हरियाणा की पहली सेब मंडी कहाँ पर खोली गई है? अपना सही उत्तर करें। आपका सही उत्तर होगा डी, पंचकुला। पंचकुला जिला के अंदर आपकी पहली सेब मंडी खोली गई है। प्रश्न नंबर 7, पहला गुलाबी महिला पुलिस थाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो चलिए फ्रेंड्स, अपना उत्तर करें। सही जवाब होगा डी, पंचकुला। पंचकुला जिला के अंदर आपका पहला महिला पुलिस थाना स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 8, हरियाणा के किस जिले में रंग महल संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? आपका सही उत्तर होगा सी, सिरसा। सिरसा जिला के अंदर आपके रंग महल संस्कृति के प्रमाण हाल ही में मिले हैं। प्रश्न नंबर 9, जींद में भूतेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर तो आप सही करेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। सही जवाब होगा ए, रघुवीर। रघुवीर जी ने जींद में भूतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 10, हरियाणा के किस जिले में दशाश्वमेध तीर्थ स्थित है? चलिए फ्रेंड्स, अपना राइट आंसर करें। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपका सही जवाब होगा डी, जींद। जींद जिले के अंदर आपका दशाश्वमेध तीर्थ स्थित है। प्रश्न नंबर 11, पानीपत में पहली बार नगर पालिका कब गठित की गई थी? चार ऑप्शन है, सही उत्तर होगा सी, 1867। 1867 में पानीपत में पहली बार नगर पालिका गठित की गई थी। प्रश्न नंबर 12, राज्य में कहाँ पर जहाज कोठी म्यूजियम स्थित है? चार ऑप्शन है, उत्तर करें। सही जवाब होगा बी, हिसार। हिसार के अंदर आपका जहाज कोठी म्यूजियम स्थित है। प्रश्न नंबर 13, बुआ वाला तालाब राज्य में कहाँ स्थित है? सही उत्तर करें।
सही उत्तर होगा डी झज्जर। झज्जर जिले के अंदर बुआबाला तालाब स्थित है। प्रश्न नंबर 14, इस बार का बजट 2020-21 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? सही जवाब करें, आपके आने वाले एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सही उत्तर होगा ए श्री मनोहर लाल खट्टर। इस बार का बजट श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मनोहर लाल खट्टर अपने हरियाणा के महम रोहतक से संबंध रखते हैं। इनका जन्म 1954 में हुआ था। प्रश्न नंबर 15, पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर प्रदेश में कहाँ स्थित है? आज का हमारा लास्ट प्रश्न, सही उत्तर करें, आपका सही जवाब होगा सी अटेरना। अटेरना गांव जो कि आपके सोनीपत के अंदर पड़ता है, यहां पर पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर स्थापित की गई है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें।